नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक स्पेशल प्रेजेंटेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 अगस्त से एसएससी सीजीएल टायर वन के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है ये एक हफ्ते के लिए इसलिए, 10 दिन के लिए इसलिए, एक दिन में खत्म हो। अभी एसएससी इस पे वर्क कर रही होगी, लेकिन इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी शंकाएं हो सकती है। एक शंका जिसमें से ये कि 75 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, टाइम काफी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई लेवल डिफिकल्ट या जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होगा वो ज्यादा होगा? मेरा ये मानना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि आपका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो वही होगा जो पहले था। मेड ज्यादा हो सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी सेट में क्वेश्चन है वो ज्यादा हाई लेवल हो सकते हैं, किसी में कम हाई लेवल लोअर लेवल हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं हमने काफी देखी हैं पीछे एसएससी के ट्रेंड में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर जिन लोगों ने पिछले एक दो साल में टेस्ट दिए हैं, 2014 में 19 तारीख का एक पेपर था सुबह की शिफ्ट में, वो पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। और जो बाकी जैसे 26 तारीख को जो पेपर थे वो कंपेरेटिवली आसान थे, तो जिन लोग वो जो लोग 19 तारीख को बैठे थे उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो लोग 120 या 120 130 स्कोर कर रहे थे आमतौर पर मॉक टेस्ट में, वो लोग है टायर वन ही क्लियर नहीं कर पाए। ऐसी समस्याएं बाकी एग्जाम में भी आती है, लेकिन एसएससी एक इसके लिए जाना जाता है कि वैरायटी बहुत ज्यादा होती है लेवल पे कई बार। लेकिन अगर आमतौर पे देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल वही होगा और स्टैंडर्ड है वो नॉर्मली होगा। स्टूडेंट को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पहले अगर 120 या 30 कर रहे थे, आपको अपना लेवल है 160 तक ले जाना होगा। इसके लिए इंग्लिश और जीके उस पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। जो लोग बहुत अच्छा ऑलरेडी मैथ कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग में आपको लगभग पूरा ही स्कोर करना पड़ेगा अगर हायर लेवल जॉब चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इतनी भी ज्यादा नहीं होनी होगी इस बार। तो एक चैलेंज है आपके सामने कि ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग में स्कोर करते हुए अपने आप को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाएं, इंग्लिश और जीके को भी दुरुस्त करें। और जो लोग फ्रेशर हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है वो अपना स्कोर पहले रीजनिंग और मैथ में ज्यादा करें। ज्यादा का मतलब कि 100 अगर 100 मार्क्स है तो 100 की तरफ ले जाएं, वो 80 या 85 को वो ज्यादा स्कोर न समझें, क्योंकि नए पैटर्न में टाइमिंग इशू नहीं है। अब स्टूडेंट की जो एक शंका थी कि डिफिकल्टी लेवल अगर आ जाता है तो क्या करें, 5% 10% या एसएससी का इतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह की समस्या का निपटने के लिए और प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हमने पिनेकल कोचिंग सेंटर ने एक टेस्ट सीरीज, स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। जो जिसका मकसद क्या है, इसका मकसद होगा हायर लेवल क्वेश्चन होंगे। हायर लेवल का मतलब कि लगभग 20% के आसपास है वो नॉर्मल से ट्रेंड से 20 पॉइंट क्वेश्चन पेपर है वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आप बोल सकते हैं कि इफ एवरीबॉडी स्कोरिंग 140 इन द करंट मॉक टेस्ट, सो इट इज लाइकली दैट ही कैन स्कोर 120 और 100, इसके बीच में उसकी संभावना हो सकती है। अगर कोई स्कोर कम करे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में, इसका मतलब यह नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है 100 में भी उसका सिलेक्शन हो जाए जो 140 में नहीं हो रहा था, क्योंकि डिपेंड्स करता है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी काफी करता है। लेकिन इस जो टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है, इसका मकसद वो ये है कि उस हालात से निपटने के लिए अगर ऐसा हो जाता है और डिफिकल्टी लेवल आ जाता है तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने पहले ही अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हैं जिनका लेवल थोड़ा ज्यादा था, तो आप अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढाल सकते हो। आप बोल सकते हैं कि इंडियन बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया की पिच पे और वो भी पर्थ की पिच पे मुकाबला करेंगे फास्ट बॉलर का, तो ऐसे हालात में उनकी कंडीशनिंग होना अनिवार्य है पहले, न कि सीधा टेस्ट में
फाइनल इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस होना जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग बैच हो, हार्ड ड्राइव कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज से स्टूडेंट हो, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। बाकी स्टूडेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इसके लिए स्पेशल उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये 6 टेस्ट इसमें होंगे शामिल, 6 टेस्ट, 1 टेस्ट सबके लिए फ्री है, चाहे वो पिनेकल स्टूडेंट हो या नहीं हो, जिसने ज्वाइन किया हो कोई कोर्स पिनेकल का या नहीं किया हो। और ये 1 टेस्ट है वो 24 जुलाई को संडे को होगा 4 बजे, 75 मिनट्स का टेस्ट, 100 क्वेश्चन, 4 बजे एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होगा और ये 24 तारीख को होगा। ये सबके लिए है। मैं आप सभी को जो इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं इनवाइट करता हूं, ये फ्री टेस्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और ये देखिए कि अगर एक टफ सिचुएशन आए आपके सामने तो आप उसका मुकाबला कैसे करोगे, और अगर टफ सिचुएशन आती है तो जो प्रेशर बिल्डिंग एनवायरमेंट आपके चारों तरफ बनता है उसमें से आप कैसे निकल पाते हो। तो इसके लिए हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न टाइप के पिनेकल के कोर्स है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, और जो दूसरी टेस्ट सीरीज है उसके बारे में भी, और उसके बाद है इस जो डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज है, हायर लेवल टेस्ट सीरीज है, उसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं या जब नहीं जानते हैं, तो फिलेक पिनेकल जो हम लोग सिर्फ एसएससी सीजीएल पे फोकस करते हैं, स्पेशलिस्ट है और कई सालों से इस पे तैयारी करवा रहे हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें दो जो कोर्स है वो एक है हार्डवेयर कोर्स, अगर किसी को इंटरनेट से रिलेटेड ज्यादा इश्यू है तो वो ये ज्वाइन कर सकता है, और हार्डवेयर कोर्स स्टूडेंट होता है वो हमेशा ऑनलाइन कोचिंग बैच का पार्ट होता है, और ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है वो ये कोर्स होता है जिसमें कि सारे प्रोडक्ट होते हैं हमारे शामिल। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, मतलब कि जितने भी टायर 1 टेस्ट सीरीज हो, टायर 2 टेस्ट सीरीज हो, टायर 3 टेस्ट सीरीज हो, या फिर कोई मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ फाइल्स हो, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं पिनेकल के पास, वी हैव 80 प्रोडक्ट्स फॉर एसएससी सीजीएल एंड ऑल 80 प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग कोर्स और यू कैन से हार्ड ड्राइव कोर्स। ठीक है, उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि और हमें क्या तैयारी करनी है, सिर्फ हम इसी पे फोकस कर दें तो वो सारा मटेरियल उनको अपने आप मिल जाएगा। जैसा हमारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे पास पहले एक पोर्टल था, उसकी अब बहुत ज्यादा रश होने की वजह से स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। हमने पिछले 10-15 दिन में इस पर एक बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम किया बैकएंड में, और शायद यही कारण होगा कि आप लोगों ने देखा होगा इतने ज्यादा वीडियो हम लोग नहीं डाल पाए। तो क्यों, इसके पीछे था कि स्टूडेंट को एक बेटर फैसिलिटी देने के लिए, जिससे कि वो टेस्ट थ्री ज्यादा से ज्यादा बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन, और हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम चलते हैं जैसे जॉब अश्योर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उनके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन किया जाए जिसमें फीचर बहुत अच्छे हों और फास्ट हो, 2G पे चल पड़े, उन सबको ध्यान में रखते हमने एक पोर्टल डिजाइन किया है, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, या मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं। और ये कैसे आप इस पे विजिट कर सकते हैं, आप यहां पर फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, 1-2 फ्री टेस्ट जरूर मिलते हैं इस पे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जब ये हमारी वेबसाइट है, जब इस पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पोर्टल पे ले जाएगा। ये पोर्टल है, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं पहले, उसके बाद लॉगिन करेंगे यहां पे मोबाइल नंबर से या अपने ईमेल से, जिससे भी आपने रजिस्टर किया है, पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो आपको वो टेस्ट के गेटवे पे ले जाएगा, जिसमें कि काफी महत्वपूर्ण फीचर्स होंगे, जैसे कि आपको वहां पे अगर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर भी पीडीएफ में मिलेगा, सॉल्यूशन भी पीडीएफ में मिलेगा, इसके अलावा रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको वहां पे रिपोर्ट्स में रैंकिंग मिलेगी, आप अपनी क्या परफॉर्मेंस है दूसरों की तुलना में टॉपर्स के साथ में, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन गलत हुआ था, कौन सा क्वेश्चन ठीक हुआ, कौन से क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया। अब डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन में कम टाइम लगा रहे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स होंगे जिससे आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
हर सब्जेक्ट में कौन सा रीजनिंग में अटेम्प्ट कितने हुए, मैथ में कितने अटेम्प्ट हुए, डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप अपने आप को जज कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और हम आने वाले टाइम इसमें और भी फीचर्स ऐड कर रहे हैं। अब अगर टेस्ट सीरीज की बात करूं, मैंने फ्लेक्सी प्रोग्राम बताया, सबसे जो सस्ता और जिसमें बहुत ज्यादा फीचर्स है, जिसमें बहुत ज्यादा हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, ज्यादा बहुत ज्यादा स्टाफ काम कर रहा है उसके ऊपर, तो वो जिससे आप अपना उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई टेस्ट वो नहीं ज्वाइन करता है तो टेस्ट सीरीज भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। 7-8 टाइप की टेस्ट सीरीज है हमने लॉन्च की हुई है। एक टेस्ट सीरीज है जो कि टायर 1 और टायर 2 की, ये सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है हमारी, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज होगी और ये अगले 4-5 महीने चलने वाली है और उसमें हम काफी ज्यादा वीडियो बनाने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस है वो वीडियो मेकिंग की तरफ होगा। बैकएंड काम है हमारा बहुत तेज गति से पिछले 8-10 दिनों में हुआ है, 10-15 दिन में, जिसमें नया पोर्टल भी शामिल है। अब बहुत तेज गति से हम लोग इस पे टायर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और टायर 2 है 25 जुलाई से ये स्टार्ट होगा। इसका मकसद यह है कि आप टायर 1 में एक शायद टाइमिंग इतना मुद्दा ना हो, लेकिन टायर 2 में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में, 100 क्वेश्चन मैथ के पेपर में, अगर आप उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हमारे 80 टेस्ट हैं और उस तक आपके आपको बाद में टाइम ना मिले तो हम चाहते हैं पहले याद है इसको इमीडिएटली एक्शन ले और ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 50 टेस्ट होते हैं टायर 1 टेस्ट सीरीज के, हर रोज आप एक कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टेस्ट हमने डाल चुके हैं और वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज एक्सपायर नहीं होगी जब तक कि टायर 1 का एग्जाम नहीं होगा, तो आप वो कभी भी वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो सेट टेस्ट है ये आप कभी भी नहीं दे सकते, ये सिर्फ संडे को और 4 बजे होगा। इसका मकसद प्रेशर क्रिएट करना है, इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है टेस्ट का। और ये जो टेस्ट सीरीज होती है टायर 1 जो 50 टेस्ट इन्होंने खरीदे हुए हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, इसका मतलब उनको 6 टेस्ट है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे जो हम पहले भी ज्वाइन किए आगे भी ज्वाइन करेंगे। इसका मकसद ये होगा एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में और एक आप बोल सकते हैं कि प्रेशर क्रिएट करने वाला ये इंतजाम है वो हम लोग संडे को कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि आप पहले तैयार हो, कोई इस तरह के हालात SSC के एग्जाम में हो जाती है जिसमें कि निपटने का आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें ये वीडियो एक्सप्लेनेशन वाली टेस्ट सीरीज थी, ये विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन है टेस्ट सीरीज, जिसमें PDF सॉल्यूशन होता है। एक है टायर 2 की टेस्ट सीरीज, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 25 तारीख से, जैसे मैंने बोला 25 जुलाई से स्टार्ट होगी जिसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी। एक वो भी हो सकता है जिसमें कि सिर्फ बिना वीडियो एक्सप्लेनेशन टायर 2 टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट जो सबसे जो हमारी बेसिक जो टेस्ट सीरीज है वो ये टेस्ट सीरीज है 50 टेस्ट और उसमें 6 टेस्ट ये भी इंक्लूड है। जो ये टेस्ट खरीद रहा है कोई परचेज किया जिसने 50 टेस्ट वाले, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है 6 टेस्ट के, हायर लेवल टेस्ट के कोई चार्जेस नहीं है, वो इसका पार्ट ही होंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा हम उसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका इंतजाम डिफरेंट तरीके से हो रहा है। वो एक फिक्स टाइम टेस्ट है जबकि ये कोई फिक्स टाइम टेस्ट नहीं है, वो कभी भी दे सकते हैं आप, कभी भी दे सकते हैं। और 50 टेस्ट है मिलेंगे तो वो एक दिन भी क्यों ना करें आप 50 के 50 टेस्ट, हालांकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मेरा मैसेज कंप्लीटली यहां पे ये है कि इसके लिए कोई टाइमिंग इश्यू नहीं है, वो 75 मिनट में जिस दिन उसका मर्जी हो उस दिन वो ये दे सकते हैं टेस्ट, लेकिन साथ ये वाले संडे को होंगे और 4 बजे उसका टाइम होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और 24 जुलाई को होगा, मैं आप सभी को इन्वाइट करता हूं क्योंकि 24 जुलाई वाला टेस्ट सभी के लिए फ्री है, सभी लोग इसमें आए और अपने आपको एवेल्युएट करें कि हायर लेवल पे अगर आप और एक प्रेशर कंडीशन में कि 4 बजे का टाइम 4 बजे ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसमें आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी रैंकिंग देखिए कि आप कहां पे पाते हैं अपने आपको और जो आपका ऑन एन एवरेज स्कोर आ रहा है उससे कितना नीचे गए हैं या ऊपर भी जा सकते हैं, हर भी देखते हैं अगर कोई ऐसा है तो। फिर आता है वीडियो एक्सप्लेनेशन वाले टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम बहुत तेज गति से वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो। जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि इंग्लिश और जीके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, अगर 160 तक पहुंच रहे हैं स्कोर तो उसको भी थोड़ा आप नजर लगाइए। जो ये 6 टेस्ट होगी वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी इनकी,
सिक्स टेस्ट संडे को, ओपन चैलेंज है सभी के लिए, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ऑल इंडिया संडे ओपन टेस्ट चैलेंज टेस्ट सीरीज है इसका नाम, हायर लेवल टेस्ट सीरीज। हायर लेवल क्यों? क्योंकि देखो एक चीज आप मानते होंगे कि नॉलेज है वो काफी नहीं है। अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, एग्जामिनर बनना है या हायर लेवल में ऑफिसर बनना है, तो सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, बाकी आपके अंदर क्वालिटी होना भी जरूरी है। और उसमें एक क्वालिटी भी है कि 75 मिनट या जो आप दो घंटे टायर टू के, दो घंटे टू आवर्स या फोर आवर्स टायर टू में, टू आवर्स में टू आवर्स इंग्लिश, ये जो टाइमिंग है वो उस एग्जाम के दिन आप कैसे हैंडल करते हो। इसका मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ लेकिन उस दिन अगर ये हैंडल अच्छी तरह से नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं लेकिन है मौके पे चौका वो नहीं मार पा रहे हैं। और मौके पे चौका जो मारेगा उसकी जीत होगी। अगर जीतना है तो प्रेशर हैंडल भी करना होगा। प्रेशर हैंडलिंग, कंपेरेटिव स्कोर, इसका मेन फीचर में शामिल। और जब ये उम्मीद करता हूं टेस्ट सीरीज करेंगे, आप इसको अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सिर्फ अगर इसी को ज्वाइन करें तो ये भी सिक्स टेस्ट की अलग से टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे को ये टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया लेवल पे आप इसको दे सकते हैं। अब हमारी जो मुलाकात है इस टेस्ट में, इस टेस्ट से रिलेटेड, वो 24 जुलाई 4 बजे टेस्ट के माध्यम से होगी। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।